हाय दोस्तों, आज जाने का समय हो गया है। आज हम लोग हैवलॉक आइलैंड से जाएंगे पोर्ट ब्लेयर। फिर पोर्ट ब्लेयर में कुछ साइट सीन है, वहाँ पे जो जेल है वो जेल को देखेंगे, वहाँ का म्यूज़ियम देखेंगे, लाइटिंग वगैरह देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे। आज इस अच्छे प्रॉपर्टी में देख सकते हो, इस अच्छे प्रॉपर्टी में हमारा कुछ कुछ हमारे कुछ घंटे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, आपको अपडेट करेंगे इसके बाद क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं सेलुलर जेल, जो पोर्ट ब्लेयर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। बस और क्या, हम आसपास में भी घूमे और फाइनली हमारा टारगेट था सेलुलर जेल। क्या है देखेंगे अभी अंदर जाके। दोस्तों, ये सेलुलर जेल उस समय का था जब अंग्रेज़ हम पे राज करते थे, और जितने भी इंडिया के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे, वो उनको उनको इसी सेलुलर जेल में डाल दिया जाता था और उन पे बहुत सारे टॉर्चर्स होती थी। और फाइनली सिर्फ यही नहीं, टॉर्चर के बाद उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई जाती थी। ये वही फांसी के का कारागार है जहाँ पे फांसी लगाई जाती थी ओरिजिनल, और ये वही जेल है जहाँ पे एक एक कैदियों को रखा जाता था, उनसे काम कराया जाता था, उनको बहुत स्ट्रगल कराया जाता था, और जो भी उस स्ट्रगल को नहीं मानता था उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। ये जेल है वही जेल जब मतलब बहुत पुराने सालों में इसे यूज़ किया जाता था। अभी शायद थोड़ी सी रेनोवेशन आप देख सकते हो, लेकिन ये वही जेल है जहाँ पे बहुत भारतीयों ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की। जब भी बात आज़ादी की होती है तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम थे जो शायद इतिहास में कभी लिखे ही ना गए हों, शायद हमें पढ़ाया ना गया हो। और इस कारागार में, इस स्पेशली सेलुलर जेल में आपको मैं उन सारे लोगों के नाम दिखाने वाला हूँ। ये जो सफ़ेद सीढ़ी देख रहे हो ना, यहाँ पे फांसी देने के पहले यहाँ पे खड़ा किया जाता था, उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। वो कभी आखिरी इच्छा पूरी तो करते तो नहीं थे, लेकिन हमेशा पूछी ज़रूर जाती थी। कितना अजीब लगता है, हाँ, इसी सीढ़ी के ऊपर कितने लोगों ने अपनी आखिरी शब्द बोले होंगे। सच में कभी कभी सोचते हैं कि हम कितने लकी हैं कि हम घर पे हैं, काम करते हैं, कितना इजी लाइफ जी रहे हैं। को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया, डबल गेटेड बनाया है, इसलिए क्योंकि डे टाइम में सावरकर जी को बाहर कॉरिडोर में रखा था ताकि सावरकर जी वहाँ से खड़ा के वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके। मेंटली टॉर्चर के लिए वो सेल को वैसा होगा था। जब आप लोग भी ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ से आपको फांसी कर दिखेगा, वर्कशीट दिखेगा, फ्लॉगिंग फ्रेम दिखेगा, और यहाँ पे नैल आते थे फांसी देने से पहले। फोटो लेने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे आप लोग, यहाँ पे आप सबको लगा रहे हैं कॉलर का काम से लाइन से बाहर आएंगे, कॉलर का काम ये थोड़ा सा आगे आप लोग। आज तो बहुत चेंज होगी घने, हाँ सिस्टम ही हो। आप लोग भी आगे आ जाइए, ये लाइन से बाहर रहेंगे, प्लीज इधर रुकिए।
बस वहीं रुकेगी। हाँ फोटो ले तो यहाँ पे इधर आइए, ज़्यादा नहीं आप लोग ज़्यादा दूर मत, थोड़ा इधर हो सकते, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर हो सकते हैं, थोड़े थोड़ा सा पीछे रहेगा, लाइन से पीछे रहेगा प्लीज, थोड़ा पीछे निकाल रहे इधर इधर आइए, थोड़ा पीछे इधर इधर से। जो है इंग्लिश में प्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं टिकटिकी। मैं हिंदी आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रात को शो में हिंदी में बोला जाता है। फ्रेम जो है ओरिजिनल, ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाया, काम करने से रिफ्यूज करता है, तो उनको बाहर लेके आके सबके सामने खुले आग में मार देते। चलिए चलते हैं इस जेल को और अच्छी तरह से जानने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये सेलुलर जेल का नक्शा नहीं, रैदर उसका एक प्रतिबिंब है, उसका एक बनाया हुआ मॉडल है जिसमें 6 ब्रांचेस हैं, जिसमें से कुछ ब्रांचेस ऑलरेडी टूट चुके हैं वर्ल्ड वार के समय भी, तो अभी सिर्फ कुछ ही बचे हैं। और ये है वो नाम, वो फ्रीडम फाइटर्स के नाम जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इतने सारे लोग देश के लिए लड़े। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, वहां से आप लोग फोटोग्राफी करते हुए नीचे आने के टाइम में विंग नंबर 7 का सबसे आखिरी वाला कमरा सावर कर दूंगा, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर का लास्ट सेकंड से देश के लिए मतलब अपना पूरा फैमिली को उन्होंने त्याग दिया, देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। देखिए 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ से फोटोग्राफी करते हुए जाएंगे। तो देखिएगा ये जो है वॉच टावर है, पहले पूरा ब्रिक्स का बना हुआ था, वुडन का इसको दोबारा बनाया गया, डायमंड शेप में जो आपको दिख रहा है, ये रात को सॉलर लेक्चर में जैसे एक लाइट इफेक्ट्स के लिए ऐसा कोई मशाल ले जाता था। 4 विंग जो डैमेज हो गया वो इसी जगह पे, जहाँ पे ये पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसी का नाम जीबी पर। जो साइड में आपको पहाड़ दिख रहा है ये अंडमान निकोबार आइलैंड का 3rd हाईएस्ट पीक इसका नाम आता है, इसे जो है माउंट हेरियट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पीरियड में ये उनका समर हेडक्वार्टर था, अभी इस जगह का नाम को चेंज करके माउंट मणिपुर रख दिया गया। ये जो टॉप आपको दिख रहा है साइड पहाड़ जो दिख रहा है ना टॉप, और ये जो रेड एंड व्हाइट आपको टावर दिख रहा है लाइट हाउस, जगह का नाम नॉर्थ बे, यहाँ पे कोरल दिखाया जाता है, सीगॉफ होता है, स्कूबा डाइविंग। इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट का जो पुराना 20 रुपीज का नोट है उसके बैक साइड में यहीं का फोटो को प्रिंट किया है। पुराने टाइम के 20 रुपये का नोट उठा के देखेंगे ये लाइट हाउस आपको दिखेगा। ये कोकोनट ट्रीज जो आपको दिख रहा है इसके बैक साइड में देखिए, मौसम अगर साफ रहेगा तो दूर में छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे जो नील हैवलॉक जैसे आइलैंड्स है, ठीक है, हल्का शेडेड। और सामने जो छोटा आइलैंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है रॉस आइलैंड ROSS, अंडमान निकोबार का जो पहला सेटलमेंट हुआ था 10 मार्च 1858 में 200 फ्रीडम फाइटर्स को लेके, इसी आइलैंड को सेटल किया गया था, ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का कैपिटल। इसको सेटल करने का रीजन ये है कि आइलैंड के चारों तरफ समुद्र का पानी है, लेकिन बीच में एक छोटा सा झील था पाउंड, जहाँ पे उनको पीने के लिए सफिशियंट ड्रिंकिंग वाटर था, वो पाउंड आज भी देख सकते हैं। और उस समय कहा जाता है कि जेल में जब 3 लोगों को फांसी देते थे, ये वॉच टावर में एक बेल था जिसको कंटिन्यूसली बजाया जाता था उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि यहाँ पे 3 आदमी को फांसी दे रहा, वैसे इनके बीच में सिग्नल हुआ। और जैसे कि आपको देखा विंग नंबर 7 को छोड़कर बाकी लोग नहीं देख पाते थे, तो जैसे ही ये मीनार में जो बैठ गया था सभी लोग कौन है वीर सावरकर जिनको नहीं पता, विनायक दामोदर सावरकर, स्वतंत्र वीर। नहीं ओटा बोले छे रियल ना टाइम की राखा हुए छे,
दोस्तों शाम के वक्त यहाँ पे लाइट शो होती है, जिसे देखने के लिए हम फिर आएंगे। अभी चलिए थोड़ा घूम आते हैं। दोस्तों हम सेलुलर जेल से निकल चुके हैं और वहाँ के करीब कॉर्बिन कोव बीच करके एक बीच है, हम वहाँ पे चले गए। आप देख सकते हो ये बीच कितना सुंदर है, वाओ। लेकिन एक बात बता दूँ, वो सेलुलर जेल का किस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम फिर जाएंगे, क्योंकि इवनिंग में लाइट शो है। सो हमें कुछ समय मिला तो हम सोचे थोड़ा घूम के आते हैं। शहर के बीच में ही ये बीच है। प्रतीची ने भी शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया और हम उस बीच को और ज़्यादा निखारने लगे। अरे वाह, आप वहाँ पे रेनबो भी देख सकते हो, कितना अच्छा लगता है। ये नेचर कितना ब्यूटीफुल है, आप सोचो शहर के बीच में एक समुंदर, वाह। तो चलते हैं फिर से सेलुलर जेल पर। मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी, जुल्मों सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं, मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटी से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एक्टिवन। एक अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों भाई शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। यस इंडीड, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर।
हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है, तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता था। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। पूरा विद्रोह नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेनी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। दोस्तों, आज हमने पोर्ट ब्लेयर की पूरी एकदम साइट सीन कंप्लीट की और आज इसी होटल में ठहरेंगे। द नेम ऑफ द होटल इज कोरल कोव। अच्छा होटल है, लेट्स गो। थैंक यू। सो हमारा ये आइलैंड ट्रिप, मतलब अंडमान ट्रिप इज डन, कंप्लीटेड, हैड अमेजिंग मोमेंट्स, मज़ा आ गया। आप लोगों को भी शायद मज़ा आया होगा देख के, राइट? सभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, फिर यहाँ से कोलकाता, यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। यस, थैंक यू। Oh my God, this is incredible. Ooh, wow.